एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ और वैसे तो मुझे आजकल बहुत ही टाइम नहीं मिलते हैं और व्लॉग वगैरह को एडिट करने में बहुत सारा टाइम लगते हैं। एडिट करने के बाद उस पर फिर से वॉइस भी देना पड़ता है तो टाइम बहुत सारा लग जाते हैं। टाइम भी मेरा आजकल बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत ही बिजी हो गई हूँ आजकल। तो सुबह से अगर व्लॉग बनाओ तो बहुत सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सुबह ही घर का पूरा काम करके फिनिश कर देती हूँ। 11 तक मैं तो आराम से फ्री हो जाती हूँ, लेकिन आज का जो ये व्लॉग है ये एक अलग व्लॉग है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा डेली क्लीनिंग रूटीन और उसके बाद हम लोग कहीं पर जाएँगे, कहाँ पर जाएँगे आपको आगे आगे बताएँगे। लेकिन पहले आप लोग मेरे व्लॉग पे देखिए कि मैं किस तरीके से अपने घर को हम डेली रूटीन पे साफ़ करके रखती हूँ, किस तरीके से मेंटेन करके रखती हूँ। तो बस यही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अभी। और आज कुही नहीं है क्योंकि मम्मी पापा के घर पे हम लोग 2 दिन पहले उसको रख के आए हैं। आज हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग कामाख्या मंदिर जाएंगे, तो इसलिए सुबह बहुत ही जल्दी हम दोनों उठ के, अभी 5:30 बजे है, तो फटाफट से मैं घर का काम कर लूँगी और उसके बाद हम लोग 8 to 8:30 के अंदर घर से निकल जाएंगे। तो चलिए फटाफट काम को करके फिनिश करते हैं। सुबह अगर पॉसिबल हो तो बेड को तुरंत ही ठीक कर लेना चाहिए, इससे ही घर का जो ऑरा है, घर का जो पॉजिटिविटी एनर्जी है वो स्टार्ट हो जाते हैं इंक्रीज होना, और ऊपर से हम लोगों की बॉडी में भी वो प्रभाव मिलते हैं थोड़ा बहुत। शास्त्र के अनुसार भी हम लोगों को सुबह उठकर बेड को पहले ठीक कर लेना चाहिए। वैसे तो अगर कुही अगर रहते हैं तो तुरंत ही हम लोग ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि वो सोती रहते हैं तो इतना सुबह तो उसको जगा भी नहीं सकते, तो इसलिए बेड हम लोग ठीक नहीं करते हैं। वैसे तो मैं सुबह उठकर ही बेड को ठीक कर लेती हूँ और उसके बाद अपना घर का जो क्लीनिंग वगैरह होता है वो सब स्टार्ट कर देती हूँ। घर को ठीक करना इतना ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं होता है क्योंकि रात को ही मैं ठीक ठाक करके रख देती हूँ और सुबह उठकर मैं भगवान के भजन लगा देती हूँ, उसको सुनकर घर का काम करती हूँ। घर का एनर्जी भी बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं और मन भी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, अच्छा भी लगते हैं, घर का माहौल बहुत ही पॉजिटिविटी हो जाते हैं, तो इसलिए इसको मैं फॉलो करती हूँ। तो अभी मैं लॉन्ड्री लगा दूँगी, घर का पूरा काम जब तक हो जाएंगे तब तक लॉन्ड्री भी मेरा हो जाएंगे। तो अभी जितना सारा गंदे कपड़े हैं वो सब मैं वॉशिंग मशीन पे डाल दूँगी। मॉर्निंग का जो पानी है ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैं क्या पानी पीती हूँ मॉर्निंग पे, तो ये मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट रूटीन है क्योंकि इसको पीकर ही मैं अपना दिन का शुरुआत करती हूँ। और उसके पहले मैं कभी कभार एप्पल साइडर विनेगर भी ले लेती हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये वाला एप्पल साइडर विनेगर यूज़ की है। Thank you.
तो बस अभी पानी वानी पीना मेरा हो गया, तो अभी घर को झाड़ू लगा दूंगी और उसके बाद फर्नीचर को जो भी धूल वगैरह गिरा हुआ होते हैं वो सब मैं साफ़ कर दूंगी। और ये मेरा डेली रूटीन है, मैं रोज़ ही करती हूँ, इसलिए घर इतना मेरा डिसिप्लिन तो रहती है, ऊपर से साफ़ सुथरा भी रहते हैं। धूल वगैरह मेरे घर पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ। लेकिन कभी कभार ऐसे होते हैं दरवाज़ा खिड़की खुला हुआ होते हैं और मैं इतना सुबह उठकर साफ़ कर लेती हूँ, तो दिन भर दरवाज़ा खिड़की खोलने की वजह से बाहर बहुत ही हवा अगर होते हैं तो घर के अंदर आ जाते हैं धूल वगैरह, क्योंकि अभी ड्राई सीजन है और बारिश भी नहीं हो रहे हैं। इस वजह से अगर बारिश होते हैं तो घर बहुत ही साफ रहते हैं क्योंकि धूल उस टाइम पे नहीं होते हैं। घर जितना साफ रहेंगे उतना ही माइंड रिफ्रेश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ऊपर से हम लोगों की एनर्जी भी बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं, हम लोगों का जो ऑरा है वो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, बहुत ही अच्छे से पॉजिटिविटी लाते हैं, इसलिए मैं इसको फॉलो करती हूँ। अगर आप सब चीज़ों का एक रूटीन बना लेंगे, कौन सा चीज़ में आपको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम के अंदर आप उसको कंप्लीट करेंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगे मैनेज करके रखने में। अभी देखिए मेरा घर को झाड़ू लगाने में 20-25 मिनट्स लग जाते हैं, अच्छे से मैं घर को झाड़ू लगाती हूँ, और उसके बाद मुझे फर्नीचर्स को साफ़ करने में 15 मिनट तो लग ही जाते हैं रोज, और घर का पोछा लगाने भी मुझे 20-20 मिनट्स लग जाते हैं। तो अराउंड मुझे डेढ़ घंटा घर को साफ़ करने में लग जाते हैं, तो डेढ़ घंटा से थोड़ा सा कम, वन आवर 15 मिनट ऐसा कुछ लग जाते हैं। तो ये मेरा डेली का इसलिए रूटीन है क्योंकि मैं इसको फॉलो कर रही हूँ आज कई सालों से, और इस तरीके से मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, मुझे अभी दिक्कत नहीं होते हैं, टेंशन भी नहीं होते, ऊपर से अगर मैं ये सब ना करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगते हैं। तो बस ये हैबिट के ऊपर डिपेंड करते हैं सारा कुछ। लक्ष्मी जी को सबको ही चाहिए, लेकिन लक्ष्मी जी को पाने के लिए तो थोड़ा बहुत मेहनत करना ही होगा। घर को जितना साफ़ सुथरा करके रखेंगे, किचन को जितना सजा कर साफ सुथरा करके रखेंगे, उतना ही लक्ष्मी अट्रैक्ट होते हैं। लक्ष्मी का मीन्स ये नहीं सिर्फ पैसा, पैसा ही लक्ष्मी नहीं होते हैं, लक्ष्मी एक्चुअली होते हैं सुख समृद्धि, और बीमारी वगैरह घर पे ना हो, सभी लोग स्वस्थ रहे, उसको ही एक्चुअल लक्ष्मी बोलते हैं। पैसा तो हम लोग इनकम कर लेते हैं लेकिन सुख समृद्धि बीमारी ये सब हम लोग इनकम नहीं कर सकते हैं, ये सब हम लोग भगवान को सिर्फ प्रे कर सकते हैं। और जितना आप घर को
अच्छे से रखेंगे उतना ही आपके पास लक्ष्मी का आशीर्वाद होंगे। ये मैंने क्या बात नहीं, ये शास्त्र में लिखा है कि जितना आप घर को साफ सुथरा रखेंगे उतना ही लक्ष्मी घर के घर पे अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए मैं इसको हमेशा से फॉलो करती हूँ। अभी घर का झाड़ू और डस्टिंग हो गया है फर्नीचर, तो अभी कपड़े को मैं बाहर सूखने के लिए दे दूंगी और उसके बाद घर को पोछा लगा दूंगी। तो बस अभी घर का पूरा साफ सफाई हो गया, अभी मैं नहाने जाऊंगी और उसके बाद आकर रेडी होंगी। तो नहा धोकर आने के बाद मैं रेडी हो रही हूँ मंदिर पे जाने के लिए। पूजा भी मैंने कर लिया है, वीडियो में आज इंक्लूड नहीं की है क्योंकि मेरा वीडियो जो है वो ऑलरेडी इतना लंबा हो गया है, तो इसलिए मैंने पूजा को इंक्लूड नहीं किया है। तो मैंने अपना मेकअप वगैरह भी कर लिया है, अभी जस्ट ड्रेस पहनूंगी और आज मैं ये वाला ड्रेस पहनूंगी। ये मुझे पापा ने दिवाली पे गिफ्ट किया था जो मैंने पहना नहीं, तो बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है ये, इसको पहनकर आज मैं जाऊंगी। तो मैं अभी रेडी हो गई हूँ, इसके साथ में गले पे बहुत ही प्यारा सा एक नेकलेस पीस पहन रही हूँ जो मुझे मम्मी ने गिफ्ट किया है, इसके साथ इतना अच्छे से मैच हो रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके साथ ही पहन लूँ। और वैसे भी मंदिर पे अगर हम लोग जाते हैं ना, बहुत ही अच्छे से जाना चाहिए, जितना हो सके सच सवर कर जाना चाहिए, स्पेशली शादीशुदा औरत। तो बस मैंने अपना साजना सवरना कंप्लीट कर लिया, चाय पी ली और बस अभी 8:30 होने ही वाला है, 8:20 हुआ है, तो चलिए अभी हम लोग जाते हैं।
ये देखिए कामाख्या की गेट जो ऊपर उठते हैं ना, रास्ते पे ही ये मिल जाते हैं। इससे कामाख्या मंदिर का रास्ता स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी पहाड़ पे उठना पड़ेगा। हम लोगों ने एक्टिवा लेकर आए हैं क्योंकि गाड़ी हम लोग दो है, इसलिए एक्टिवा में ही आ गए। जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएंगे, मंदिर भी पहुंच जाएंगे ऐसा सोचकर। आजकल एक्टिवा में बहुत ही कम उठती हूँ क्योंकि कुही होने के बाद हम लोग गाड़ी में ही जहाँ पे जाते हैं गाड़ी में ही जाते हैं। तो इसलिए आज वेदर भी काफ़ी अच्छा है, गर्मी नहीं है, बारिश भी हुआ था आज, तो इसलिए अच्छा लगा एक्टिवा पे आकर। तो हम लोग पहुंच गए कामाख्या मंदिर और ये देखिए यहाँ पे लाइन हो रहे हैं। ये टिकट वाला लाइन है, यहाँ पे कूपन लेना चाहिए। कूपन लेने का लाइन पे हम लोग 3 घंटे लाइन पे रहे और उसके बाद हम लोगों को कूपन मिला था। तो ये देखिए 3 घंटे के बाद हम लोगों को कूपन मिल गया। तो अभी हम लोगों ने पूजा का सामान खरीद ली, तो चलिए अभी जाते हैं और हम लोगों को लाइन पे रहना होगा। तो फटाफट से वहाँ पे जाते हैं और लाइन पे रहते हैं। तो यहाँ पे कूपन पे स्टाम्प मार देते हैं और यहाँ पे देखिए कितना सारा लोग हैं। मुझे तो एकदम यकीन नहीं हो रहा है इतना सारा लोग। हमेशा हमेशा जब भी कामाख्या पे आती हूँ ना, इतना सारा लोग मिलते ही है। कोई लोग बाहर से दर्शन करके चले जाते हैं लेकिन हम लोग एकदम अंदर जाएंगे, इसलिए इतना लाइन पे हम लोगों को रहना पड़ा। यहाँ पे हम लोगों ने 6 घंटा लाइन पे रहे और उसके बाद जाकर हम लोगों को कामाख्या माँ ने दर्शन दिया है। अभी 6 घंटे के बाद हम लोग एकदम कामाख्या मंदिर के सामने हैं। ये जो आप लोग दरवाज़ा देख रहे हैं एल्युमिनियम का, इससे जाकर अंदर कामाख्या मंदिर का जो मेन मंदिर है वो मिल जाएंगे। तो वहाँ पे वीडियो फोटो शूट करना अलाउ नहीं है, तो मैंने तभी कैमरा को ऑफ कर दिया। गौतम ने नारियल तोड़ा है और थोड़ा बहुत मैंने वीडियो शूट की है बाहर। 5:30 हो गया था तो शाम हो गया और ऊपर से आज बारिश भी थे, तो इस वजह से थोड़ा बहुत अंधार जैसा हो गया। और ये कामाख्या मंदिर देखकर ही मन को इतना शांति मिलते हैं। बाहर से ही ज़्यादा लोग आते हैं, बिहार और पंजाब बहुत सारा लोग आते हैं बाहर से। यहाँ पे वैष्णव देवी में जितना लोग रहते हैं उतना ही यहाँ पे भी रहते हैं लोग। बहुत ही फेमस मंदिर है ये। तो चलिए अभी चप्पल वगैरह पहनूंगी जहाँ पर चप्पल को रखा था जिस दुकान पे, और उसके बाद हम लोग बाहर ही कुछ खा लेंगे और उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। तो चलिए अभी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइए। टेक केयर एंड बाय।